नाउ कंटिन्यू चैप्टर नंबर 9 माय फन डे। तो देखेंगे इसकी और भी एक्सरसाइज हम इस चैप्टर की देखेंगे। तो आपकी बुक में आप पेज नंबर 67 देखिए। आपके पास बुक है तो आप इसे जरूर आपके सामने रख के देखिए ये वीडियो, तब आपको पता चलेगा कि मैडम क्या बता रहे हैं। तो देखेंगे पेज नंबर 67 पे आप, यहाँ पे टीचर्स वाला ये गेम है जो बहुत से बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ पे वो लोग क्या कर रहे हैं वो हमें बताया गया है। यहाँ पे सब चिल्ड्रन ऑफ क्लास सेकेंड ए, सेकेंड क्लास के कुछ बच्चे हैं, लव टू प्ले टीचर। उन्हें टीचर खेलना बहुत पसंद है, यानी वो लोग टीचर बनते हैं और खेलते हैं। तो कैसा होता है, दे हैव डिसाइडेड टू टेक टर्न्स इन प्लेइंग द टीचर्स रोल। वो क्या करते हैं, अपने जो भी डेज होते हैं मंडे ट्यूजडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, इन सभी डेज में क्या करते हैं, सभी बच्चे डिसाइड कर लेते हैं कि किस दिन कौन सा बच्चा टीचर बनेगा। तो यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, तो इसमें बताया गया है कि किस दिन कौन बच्चा टीचर बन रहा है। तो वो सेकेंड क्लास के बच्चे तो देखेंगे डे मंडे के दिन है, वो टीचर का जो रोल प्ले कर रहा है वो विल प्ले टीचर्स रोल। तो मंडे के दिन टीचर का रोल कौन प्ले कर रहा है, वैभव कर रहा है। ट्यूजडे के दिन अल्पना जो है वो टीचर का रोल प्ले करेगी, वो टीचर बनेगी उस दिन। वेनसडे के दिन गौरव जो होता है वो टीचर बनता है। थर्सडे के दिन गुरप्रीत जो होता है वो टीचर बनता है। फ्राइडे के दिन दीपक टीचर बनता है और सैटरडे के दिन रहनुमा जो होती है वो टीचर बनती है। तो ये बच्चों ने डिसाइड कर लिया है कि किस दिन कौन टीचर बनेगा और वो उस दिन वो रोल प्ले कर रहे हैं। तो अब हमें ये टेबल को अच्छे से फॉलो कर ध्यान देना है और ध्यान देकर देखना है कि इसके बाद में इससे रिलेटेड हमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके आंसर हमें बताना है। तो देखेंगे क्वेश्चन हमारा यहाँ पर पूछा गया है, वो क्वेश्चन मेरे यहाँ नोट नहीं करे है, तो वो क्वेश्चन आपको बुक में दे दिए होंगे। बुक में पेज नंबर 68 पे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर ए है, क्वेश्चन नंबर ए हम देखेंगे डैश जो नाम नहीं दिया हुआ है विल बी द टीचर द डे आफ्टर फ्राइडे। फ्राइडे के बाद जो दिन आता है उस दिन कौन टीचर बनने वाला है, हमें पूछा गया है विल बी द टीचर द डे आफ्टर फ्राइडे। फ्राइडे के आफ्टर डे में जो है वो, यानी फ्राइडे के बाद वाले दिन में जो है कौन टीचर बनने वाला है। तो फ्राइडे के बाद में हम देखेंगे सैटरडे के दिन कौन टीचर बनने वाला है, वो रहनुमा है। हमें पता है आफ्टर फ्राइडे होता है सैटरडे, तो सैटरडे के दिन कौन बनने वाला है, टीचर रहनुमा बनने वाली है। तो हमारे ए नंबर का आंसर आ जाएगा रहनुमा, ये टीचर बनने वाली है। तो ए में यही हमें पूछा गया था। अब बी नंबर का क्वेश्चन है हमारा, वी प्ले द टीचर्स रोल ऑन द डे बिफोर ट्यूजडे। डे बिफोर ट्यूजडे है, ट्यूजडे के पहले दिन में कौन टीचर बनने वाला है, तो हम ट्यूजडे में जाएंगे, इसके पहले वाले दिन में जाएंगे। ट्यूजडे के बिफोर में कौन सा डे होता है, बिफोर ट्यूजडे इज मंडे। तो मंडे में कौन टीचर बनने वाला है, वैभव बनने वाला है। तो बी नंबर का आंसर हमारा आ जाएगा वैभव, ठीक है, वैभव हो जाएगा हमारा। तो इस सेकेंड में हमें बी नंबर में भी पूछा गया था कि बिफोर ट्यूजडे कौन टीचर बनेगा, तो ट्यूजडे के पहले होता है मंडे, मंडे में वैभव टीचर बना है, ठीक है। अब सी नंबर में पूछा गया है, गौरव विल प्ले द टीचर्स रोल। गौरव क्या कर रहा है, टीचर्स का रोल प्ले कर रहा है ऑन द डे आफ्टर ट्यूजडे, सॉरी गौरव प्ले द टीचर्स रोल ऑन द डे आफ्टर, यानी किस डे के बाद में गौरव टीचर्स का रोल प्ले कर रहा है। तो गौरव टीचर्स का रोल कब प्ले कर रहा है, वेनसडे को प्ले कर रहा है। तो वो किस दिन के आफ्टर डे वाले में, यानी बाद वाले दिन में टीचर का रोल प्ले कर रहा है। फिर से देखिए सी नंबर में हमें पूछा गया है,
बाद वाले दिन में गौरव टीचर का रोल प्ले कर रहा है। तो गौरव ट्यूसडे के बाद वाले डे में टीचर का रोल प्ले कर रहा है। तो किस दिन के आफ्टर? तो ट्यूसडे के आफ्टर वाले डे में गौरव क्या है? टीचर का रोल प्ले कर रहा है। तो आफ्टर ट्यूसडे इसमें आ जाएगा हमारा आंसर। हमें तो पता है कि गौरव वेडनेसडे के दिन में प्ले कर रहा है, पर हमें पूछा ये गया है किस दिन के बाद? किस दिन यानी ट्यूसडे के बाद। तो ट्यूसडे हमारा आंसर होगा। अब बी नंबर में हमें पूछा गया है दीपक विल प्ले द टीचर्स रोल। दीपक टीचर का रोल प्ले कर रहा है ऑन द डे बिफोर। किस डे के पहले वाले डे में कर रहा है? तो दीपक देखेंगे हम यहाँ पे दीपक फ्राइडे के दिन में टीचर का रोल प्ले कर रहा है। पर किस डे के पहले? बिफोर, विच डे बिफोर, किस डे के पहले? तो सैटरडे के पहले वाले डे में वो टीचर का रोल प्ले कर रहा है। तो हमारा आंसर आएगा कि फ्राइडे यानी किस डे के बिफोर आ रहा है? सैटरडे के। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे सैटरडे। यही हो गया बिफोर सैटरडे वो क्या कर रहा है? टीचर का रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो टेबल था उससे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन थे वो हमने हमने बता दिए हैं क्या क्या हुआ इसमें। तो आपको बुक में ये क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है, नहीं हमें क्वेश्चन नोट नहीं करेंगे। आप बुक में पेज नंबर 68 में देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे है मैथ के गेम्स एवरी डे। गेम्स एवरी डे यानी जो हमारा जो टाइम टेबल होता है स्कूल में हमें एक टाइम टेबल दिया जाता है आप लोगों को कि किस दिन में कौन सा वाला पीरियड लगेगा। तो यहाँ पे देखिए पेज नंबर 68 पे टाइम टेबल पूरा दिया हुआ है। ये टाइम टेबल आपको आपके बुक में देखना है और इसी टाइम टेबल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बताऊंगी। ये पूरा टाइम टेबल भी यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ नहीं किया है, तो इसके आंसर देखने के लिए आपको ये टाइम टेबल बुक में देखना होगा। ओके, तो देखिए लुक एट द टाइम टेबल, आपको ये टाइम टेबल देखना है। पेज नंबर 68 पे दिया हुआ है ऑफ क्लास सेकेंड ए। सेकेंड ए का टाइम टेबल दिया हुआ है और उससे हमें यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा पीरियड है वो किस डे होगा। तो ये पीरियड है ड्रॉइंग का पीरियड किस किस दिन होता है ये पूछा गया है। म्यूजिक का पीरियड किस किस दिन होता है वो पूछा गया है। गेम्स का पीरियड आपका किस किस दिन होता है ये टाइम टेबल में। और लाइब्रेरी का पीरियड जो है वो किस किस दिन होता है ये टाइम टेबल में ये हमें पूछा गया है। तो ये टाइम टेबल हमें देखना है अच्छे से तो हमें पता चल जाएगा कि ये पीरियड हमारे कब कब होते हैं। तो देखिए मैं आपको पहले सब कुछ बता देती हूँ कि पास में लाते हैं कि कौन कौन से दिन कौन कौन से पीरियड होते हैं, फिर आपको यहाँ पे हम नोट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे टाइम टेबल देखेंगे हम पास से बता रहे हैं आपको। ये जो है ये टाइम टेबल दिया हुआ है। तो हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे टाइम टेबल देख के कि ड्राइंग का पीरियड कब कब होता है। तो आप ध्यान से देखेंगे इस टाइम टेबल में ट्यूसडे के दिन ड्राइंग का पीरियड है, थर्सडे के दिन ड्राइंग का पीरियड है इस टाइम टेबल में, और किस दिन है? और सैटरडे के दिन ड्राइंग का पीरियड है। किस किस दिन ड्राइंग का पीरियड है इस टाइम टेबल में? ट्यूसडे है, थर्सडे है और सैटरडे के दिन है। ओके, अब सेकंड हमें पूछा गया है कि म्यूजिक का पीरियड किस किस दिन होता है। तो आप टाइम टेबल में देखेंगे म्यूजिक का पीरियड मंडे है, थर्सडे को है और फ्राइडे को है। ठीक है, अब हमें पूछा गया है इस टाइम टेबल में गेम्स का पीरियड किस किस दिन होता है। तो अब ये टाइम टेबल में देखेंगे मंडे गेम्स का पीरियड है, वेनसडे को है और फ्राइडे को है। ओके, अब लास्ट हमें पूछा गया है कि लाइब्रेरी का कब कब होता है इस टाइम टेबल में पीरियड। तो ट्यूसडे को होता है, टाइम टेबल में हम देख रहे हैं वेनसडे के दिन है और सैटरडे के दिन है। तो ये सब हमें यहाँ पे नोट कर लेना है ये टाइम टेबल देख के। ठीक है, तो चलिए हम नोट कर लेते हैं। तो हमारा
आप इसके अलावा जो भी उस टाइम टेबल में सब्जेक्ट दिए हुए, मैथ दिया हुआ, हिंदी,